हरदम पर कोई कातिल है, कहां जाए कोई। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सुरसरिता को और दबाएं बेल आइकन को संगीत से रिलेटेड तमाम वीडियोस पाने के लिए। नमस्कार, मैं पवन शास्त्री और एक बार फिर से सुरसरिता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो ये टॉपिक है बहुत ही सोच समझ करके इस टॉपिक को मैं लेकर के आया हूँ, क्योंकि जितने भी बिगनर्स हैं और जिन्होंने अभी शुरुआत की है या जो अभी सीख रहे हैं, उनके लिए गला खोलना या खुले गले से गाना या पेट से गाना ये बहुत बड़ी असमंजसता की स्थिति उनमें पैदा करती है। और काफ़ी लोग ऐसा सोचते भी हैं कि खुले गले से गाना या पेट से गाना क्या चीज़ है और कैसे किया जाएगा। तो आज का ये वीडियो आप देखिए, पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और आपका जो भ्रम है कि खुले गले से गायकी कैसे की जाए या पेट से गायकी कैसे की जाए, तो बहुत सारे वीडियोज़ आपने देखे भी होंगे और बहुत से गुरु ऐसे हैं जो इसके बारे में आपको बताते भी हैं। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और अपना नज़रिया उस तरफ ले जाने की ज़रूरत है, किस तरीके से सीखा जाए, किस तरीके से खुले गले से गायकी हो, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। जब आप रियाज करते हैं हारमोनियम से, रियाज करना हारमोनियम से करें या आप तानपुरे से करते हों, रियाज की प्रक्रिया अलग होती है और सिंगिंग की प्रक्रिया अलग होती है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अब रियाज आप जब भी करें तो मुंह को खोल के करें, जैसा बाकी लोग बोलते हैं कि मुंह को खोलिए और तीन उंगली कम से कम मुंह में जानी चाहिए जब सहकार रियाज आप करें, है ना, इतना तो ये ठीक है, ऐसा ही आपको करना चाहिए। रियाज करते समय मुंह पूरा खुला होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिए। और जब भी रियाज कीजिए तो जो सांस है उसे नाक से अंदर खींचिए ऐसे, और फिर बोलते हुए सा का उच्चारण या रे का उच्चारण जो भी आप कर रहे हैं उसको बोलते हुए बाहर निकालिए। देखिए सा, अब ये ठीक है, मुंह भी खुला था, सा का रियाज भी हो रहा था और सांस अंदर लेकर के और उसी सांस को सा के माध्यम से हम बाहर छोड़ रहे थे। ऐसा रियाज करेंगे तो खुला रियाज होगा और जब खुला रियाज होगा तो सिंगिंग में आपकी आवाज खुलेगी। ऐसा नहीं कि आपने अभी रियाज किया खुले गले से और उसके बाद तत्काल आप सिंगिंग कर रहे हैं और खुले गले से गाने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश नहीं करना है। गाते समय खुले गले से गायकी करने की कोशिश जब आप करेंगे तो आपकी सिंगिंग बर्बाद होगी। खुले गले से गाने का एक ही मूल मंत्र है कि आप खुले गले से रियाज करें, और जब खुले गले से रियाज करेंगे तो सिंगिंग अपने आप खुले गले से आएगी। देखिए सा, रियाज करते समय मुंह बड़ा खोला और फिर सा रे गा पा, है ना, इस तरीके से जब रियाज करेंगे तो गाते समय कोई भी सॉन्ग ले लीजिए, हर कदम पर कोई कातिल है, कहां जाए कोई, जिंदा रहना, ये चलता है। तो खुले गले से सिंगिंग करने का केवल एक ही टिप्स है कि आप खुले गले से रियाज करें। पेट से आवाज को बाहर निकालने का सबसे बढ़िया तरीका आप नाक से सांस अंदर लें और फिर जो भी स्वर आप बोल रहे हैं, सा का रियाज कर रहे हैं, रे का कर रहे हैं, उसको बोलते हुए उसी सांस के माध्यम से
आपको बाहर निकालना, जैसा हमने बताया था कि सांस अंदर लीजिए पहले और फिर बोलिए, देखिए और जितना लंबा आपका सांस है, जितनी लंबी सांस है, उस पूरे सांस में आपको सा बोलना है, ठीक। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए। अब ऊपर जाते हैं तो ऊपर हमने तार सप्तक का भी सा भी बोला था, आपने देखा कैसे बोला गया है, उसी तरीके से खुले गले से रियाज करें। दूसरा जो टिप्स है खुले गले से रियाज करने का, वो सबसे बढ़िया तरीका ये है, आप अपनी ओरिजिनल वॉइस में रियाज करें, जिसमें आप बोलते हैं उसी में आपको रियाज करना है, आवाज को बनाना बिल्कुल नहीं, बनाना बिगाड़ना नहीं, जैसे ऐसा नहीं करना, ऐसा भी नहीं करना है, अपनी जो आवाज है जो हम बोल रहे हैं इस समय, जो हमारी ओरिजिनल वॉइस है उसमें सा बोलेंगे, ऐसे बोलते रहिए, फिर सा बोलते हुए सा, तो ये जो आपकी वॉइस है उसमें, जो आपकी आवाज है उसमें आपको रियाज करना है, खुले गले से अपने आप गायकी होगी। उम्मीद है आपको ये टिप्स समझ में आया होगा, और ऐसे ही तमाम टिप्स और गानों के ट्यूटोरियल्स के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि तमाम वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।